कक्षा पंचम विषय सदाचार पाठ 12 ध्यान। आप सभी लोग ये जानते हैं कि आज की जो जिंदगी है वह बहुत व्यस्त है। समाज में ऊंचा उठने के लिए भागदौड़ हो रही है। आदमी दिन रात परिश्रम कर रहा है, ना अपना खाने का ध्यान रखता है ना सोने का ध्यान रखता है। ऐसी स्थिति में जो है मस्तिष्क जो है तनाव की स्थिति में आ जाता है, आदमी मानसिक रोगी हो जाता है। रातों को नींद नहीं आती, वो ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक धनवान बन जाऊं, मेरे पास अधिक से अधिक पैसा हो, कारें हो, बंगला हो। इस होड़ में जो है व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है और अपने शरीर का जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? अपने जिससे कि उसका मन मस्तिष्क सही चल सके, सही काम कर सके, उसके लिए है ध्यान। ये जो ध्यान है, आप प्रातःकाल ग्राउंड वगैरह में जाइए, वहाँ पर खुली हवा में आपको हजारों युवक युवतियाँ, बूढ़े जवान, बालक बालिकाएँ जो है ग्राउंड में आपको दौड़ते हुए भागते हुए कुछ ध्यान का अपना ध्यान लगाते हुए मिलेंगे। वो इसलिए कि उनसे उसके करने से जो है व्यक्ति का मन मस्तिष्क बिल्कुल सही रहता है, सही कार्य करता है, अच्छी नींद आती है। यदि हम प्रतिदिन इसे अपनी दिनचर्या में डाल लें कि हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं तो एक घंटा दे दें, तो हमें अच्छी नींद आएगी, हमारा जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सही प्रकार होती रहेंगी। तो इसलिए हमें जो है नियमित प्रातःकाल के समय या और शाम के समय भी यदि निकल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो प्रातःकाल के समय तो समय निकल ही जाता है। हम